Chucky B. Vivo Y78 Plus जो हाल ही में लॉन्च हुआ मिड सेगमेंट फोन है। फास्ट रिफ्रेश रेट एमोलेड डिस्प्ले, सुपरबीन डिजाइन, 50 मेगापिक्सल कैमरा विथ OIS, ह्यूज बैटरी, फास्ट चार्जिंग एंड मेनी मोर। दोस्तों आज मैं Vivo Y78 Plus का रिव्यू बताने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से देख ले। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे टेक स्ट्रीट। और जैसे कि आपको बताया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अपडेट सबसे पहले हमारे ही चैनल में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और लाइक यू देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिए और हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लिए ताकि आपको लेटेस्ट और समटेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले Vivo Y78 Plus के डिजाइन से शुरू कर लेते हैं। तो फोन में यहाँ पे 3D कर्व्ड डिजाइन मिल जाती है और ये ब्लैक कलर वेरिएंट है। इसके अलावा ब्लू एंड गोल्ड कलर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जहाँ पे मैंने ब्लू कलर का तो ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर दिया है। फोन का बैक मैट फिनिश मिल जाता है, तो फिंगरप्रिंट के साइन आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे और कर्व्ड डिजाइन मिल जाती है, तो सिंगल हैंड से आसानी से होल्ड भी कर पाएंगे, फील काफी अच्छी मिलेगी। वैसे फोन का बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक के मिल जाते हैं। Vivo Y78 Plus के डिस्प्ले की बात करें तो 6.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। वैसे गेमर्स के लिए तो इस सेगमेंट में ज्यादातर LCD डिस्प्ले ही मिलती है। Vivo के Y78 Plus में डिजाइन देख के काफी प्रीमियम फील आती है, क्योंकि डिस्प्ले और पैक दोनों कर्व्ड मिल जाते हैं। वैसे लुक से ऐसा नहीं लगता है कि अंडर 20,000 फोन है ये, क्योंकि इस सेगमेंट में भी एमोलेड डिस्प्ले दी गई है और इस सेगमेंट में बहुत ही कम ऐसे फोन है जो एमोलेड डिस्प्ले के साथ आते हैं, ज्यादातर LCD डिस्प्ले ही देखने को मिलती है। फोन की थिकनेस 7.89 mm की और वेट करीब 177 ग्राम्स का है, तो फोन में ग्रिप भी अच्छी मिलेगी और इतना हैवी भी नहीं है और डेली यूज के लिए काफी कंफर्टेबल है। स्क्रीन में रिजोल्यूशन फुल HD प्लस मिल जाता है और 388 पिक्सल पर इंच की डेंसिटी मिलती है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है और एवरीडे यूज में काफी स्मूथ फील मिल जाएगी इस फोन में। डिस्प्ले में मैक्स ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स तक मिलेगी, लेकिन पीक ब्राइटनेस लेवल 1300 निट्स तक मिल जाती है और आउटडोर में विजिबिलिटी भी काफी अच्छी मिलेगी और डिस्प्ले काफी अच्छी मिल जाती है, व्यूइंग एक्सपीरियंस भी काफी ढांसू मिलता है और वीडियो वॉचिंग में भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ऑल ओवर फोन में डिस्प्ले अच्छी मिलती है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा, यानी मूवी सीरीज वगैरह आसानी से देख सकते हैं। Vivo Y78 Plus में परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन में स्नैपड्रैगन 695 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है, हाईएस्ट वेरिएंट 12 गीग्स ऑफ रैम एंड 256 गीग्स ऑफ स्टोरेज वेरिएंट मिलता है और स्टोरेज यहां पे UFS 2.2 मिलेगा। बाकी कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ आता है और सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिल जाता है। और बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की ह्यूज बैटरी मिलती है और बैटरी को चार्ज करने के लिए 44 वोट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। वैसे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर 6 नैनोमीटर प्लेटफॉर्म पे बना है, जहां पे 2 A78 लार्ज कोर मिलते हैं और 6 A55 स्मॉल कोर्स मिल जाते हैं। GPU यहाँ पे Adreno 619 मिल जाता है। वैसे ये प्रोसेसर लो पावर कंजम्पशन के लिए जाना जाता है। फोन में कैमरा एबो एवरेज मिल जाता है, आप यहाँ पे सिंपल फोटोज देख सकते हैं, लेकिन नाइट फोटोग्राफी काफी अच्छी मिलती है। Vivo Y78 Plus की प्राइस की बात करें तो बेस वेरिएंट की प्राइस चाइना में 1599 चीनी युआन से स्टार्ट होती है, जो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो करीब 19,000 तक होती है। कंक्लूजन पे आए तो फोन में डिस्प्ले सुपर मिल जाती है, कैमरा एबव एवरेज मिलता है, वैसे नाइट फोटोग्राफी अच्छी मिलती है, परफॉर्मेंस एवरेज मिलेगा। बेसिकली Vivo Y78 Plus फोन पावर एफिशिएंट फोन है, बैटरी भी अच्छी मिलती है। अगर आप एक मल्टीमीडिया यूज़ के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं और बैटरी भी अच्छी चाहिए तो आप Vivo Y78 Plus को कंसीडर कर सकते हैं। अब देखना यह है कि इसी प्राइस में लॉन्च होता है या नहीं इंडिया। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं Vivo Y78 Plus के बारे में, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस में इंडिया में आना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नो अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और एक लाइक यू देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दिए हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लिए ताकि आपको लेटेस्ट और सम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।